हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ क्लासेस बाय सुरेंद्र सर। आज हम इस क्लास में कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1-4 हम बता चुके हैं। आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बताएंगे। तो दो क्वेश्चन आज क्लास में हम क्लियर करेंगे, जो दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करना है। आई बाय ए टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। हम एक टीवी खरीदते हैं 10,000 में और उसको बेचते हैं प्रॉफिट 20% पर, 20% प्रॉफिट पर उसको बेचते हैं। तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो हमको कितना पैसा मिलेगा बेचने से, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस हमारा टीवी का क्या था। कॉस्ट प्राइस टीवी का है ₹10,000, ठीक है। इसके बाद हम प्रॉफिट निकालेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ, ये परसेंटेज में प्रॉफिट ही है, हम प्राइस में निकालेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑफ 10,000, तो निकालें 20/100 इंटू 10,000, कैंसिल करते हैं। 20 × 20 = 25 × 100, 5 × 5 5 × 10 1 2 3 0 3 0 हो गया। तो मतलब कि ₹2,000 प्रॉफिट हुआ। कितना रुपया प्रॉफिट हुआ? ₹2,000। तो 10,000 का कॉस्ट प्राइस था, प्रॉफिट हमको 20% होने से ₹2,000 प्रॉफिट होता है। अब सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस यही हमको निकालना है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। यदि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 10,000 प्लस 2,000 ये हो गया हमारा प्रॉफिट। से 10,000 कॉस्ट प्राइस था, ₹2,000 प्रॉफिट, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 10,000 और 2,000 ₹12,000, ये हो गया ₹12,000। इस तरह से बोले ना, बहुत इजी है। दिस इज द आंसर, कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसमें क्या करना है अभी देखिए बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। जूही जो है एक वॉशिंग मशीन को बेच रही है, कितना में? 13,500 में। सी लॉसेस 20% इन द बार्गेन। व्हाट वॉज द प्राइस एट विच सी बॉट इट, हमको प्राइस निकालना है जितना में वो खरीदी थी, क्योंकि 13,500 में बेचने से उसको 20% का लॉस होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। बहुत इजी है, इसको हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को एक्स मानेंगे। कॉस्ट प्राइस को हम एक्स मानेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ पहले लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है दिया हुआ है 13,500 रुपया। लॉस दिया हुआ है 20%। लेट द CP कॉस्ट प्राइस बी ₹1, ₹1 को कॉस्ट प्राइस मानते हैं। तो यदि कॉस्ट प्राइस ₹1 है तो 20% लॉस होने से कितना लॉस होगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे लॉस 20% ऑफ एक्स। ₹1 के अनुसार हमारा लॉस कितना होता है, तो 20/100 इंटू एक्स, 20 × 20 = 25 × 100, तो ₹1/5 क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस हो गया ₹1/5 और कॉस्ट प्राइस कितना है ₹1, तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। SP इक्वल टू होता है CP माइनस लॉस, तो एक्स माइनस ₹1/5, तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 और 1 कैल्शियम नीचे 5 टाइम से जाएगा 5x - 1x, तो क्या होगा 4/5x, ये है होगा हमारा।
जब कॉस्ट प्राइस एक्स रुपीज़ है, लॉस हो गया एक्स बाई फाइव, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, फोर बाई फाइव एक्स। अब हम इस फोर बाई फाइव एक्स से इस सेलिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब कंपेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फोर बाई फाइव एक्स इक्वल टू 13,500, ये हमारा सेलिंग प्राइस था। ये भी सेलिंग प्राइस है एक्स के अनुसार, और एक्स ये जो है क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। अब हम कंपेयर करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है। फोर एक्स में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फोर एक्स इक्वल टू फाइव में 13,500 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव इंटू 13,500। देयर फोर एक्स इक्वल टू फाइव इंटू 13,500 बाई फोर। अब फोर से काटेंगे हम तो कितने बार में कटेगा देखते हैं। फोर वन जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, एक बचा, एक इसको देंगे तो 15 हो गया। फोर थ्री जा ट्वेल्व तो थ्री बचा 30, फोर सेवन जा 28, दो बचा 0, 20, फोर फाइव जा 20। अब हमारा बचा 3,375 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16,875। ये हो गया हमारा एक्स का वैल्यू, मीन्स ये हो गया कॉस्ट प्राइस। सो सी अबाउट इट लिखेंगे, देयरफॉर सी अबाउट इट फॉर रुपीज 16,875। सो दिस वे यू कैन डू, ओके।